अस्सलाम वालेकुम यार, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे उन चंद अलामात की जिनसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनके ऊपर किस तरह का जादू है। अक्सर करके लोग खतरनाक किस्म के जादू करते हैं, जैसे कुत्ते का जादू, तो वो कुत्ते की तरह भौंकेगा। और हमें कैसे मालूम है कि इसके ऊपर पिग या खिंजीर का जो है जादू किया गया है, ये समझना होता है। अगर किसी के ऊपर पिग या खिंजीर का जादू किया जाता है तो उसमें उसके असरात मुरतब होते हैं उनके जिस्म पे, ज़ाहिरन उनमें एक ज़ाहिरन में आपको अलामत बता देता हूँ कि उसकी गर्दन वो ऐसे ऐसे करने में उसको दिक्कत होती है। और वो उसकी गर्दन जो है वो जैसे बंधी हुई हो, किसी ने कील ठोंक ली हो, इस तरह से होती है। तो जादू का ऐसा किस्म जो कि सुअर की हड्डियों या इस पर किया जाता है उसमें ये होती है। और जो प्रॉपर्टीज़ सेक्स के दौरान पिग में होती हैं वो उस इंसान पर वारद होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं उसके अंदर। अगर उल्लू का जादू किया जाता है तो तबाह बर्बाद तो लोग हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अगर जादू किया जाता है सख्त तरह से तो उनकी जो गर्दन है वो ज़्यादा फिर जाती है, मोड़ने से ज़्यादा मुड़ती है, चाहे वो लड़की पे किया जाए या लड़के को, और आदमी परेशान हो जाता है ये क्या है। तो ये उल्लू का जादू होता है और इसका इलाज कैसे करना है वो भी मैंने पिछली वीडियोज़ में बता दिया है। और दूसरी उल्लू की बात क्या होती है कि सारा दिन सोया रहता है। अगर किसी को तंत्र विद्या के ज़रिए उल्लू का गोश्त खिलाया जाता है या उल्लू का अचार खिलाया जाता है तो वो मर्द कामचोर बन जाता है, काम नहीं करता, उल्लू बन जाता है, सारा दिन सोया रहेगा, चारपाई से उठेगा ही नहीं, काम नहीं करेगा। यानी वो प्रॉपर्टीज़ जिस जानवर के अंदर होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ उस इंसान के ऊपर होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उल्लू का गोश्त खिला देते हैं लोगों को और वो काम नहीं करते और दूसरे लोग उनको कोसते रहते हैं, जबकि हालात ये होते हैं कि वो मजबूर होते हैं और उनको ही पता नहीं होता कि ये क्या मामला है, यानी हराम चीज़ उनको खिलाई दी जाती है। और जिस तरह की चीज़ उसको खिलाई जाती है उस तरह की चीज़ के उनके ऊपर असरात ज़ाहिरन होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग उसे इस्तफादा करेंगे। उल्लू के जादू को बातिल करना, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसे देख लें और आप लोग इससे इस्तफादा करेंगे। ख़ास तौर पे कुछ औरतें जो अपने मर्द को जलील करना चाहती हैं
तो वो इस तरह का उल्लू का जादू उनके ऊपर करवाती हैं या उल्लू की चीज़ या गोश्त उसको खिलाती हैं ताकि वो काम न कर सकें, और फिर लोगों के सामने उनको सारा दिन जलील भी करती हैं, काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो कुछ कर नहीं सकता बेचारा जब तक उनका इलाज ना हो। तो ये इस किस्म का जादू होता है। आपको और हम सबको ऐसी चीज़ों से अल्लाह ताला हर समान में रखे। और आप लोग तो मेरा तरीक़ेकार है उल्लू के इलाज का, उसमें आप देखें, उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, आम सी चीज़ें और तंत्र विद्या में उसका कैसे इलाज किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला लगी आप लोग इससे इस्तफादा करेंगे। खुदा हाफिज़।